और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुरादनगर हादसे से एक खबर जुड़ी हुई है। मुरादनगर हादसे के बाद परिजनों में जबरदस्त रोष है। परिजनों ने दिल्ली मेरठ रोड पर हाईवे को जाम कर दिया है। एक तरफ का रास्ता अब भी बंद है। लोगों में घटना को लेकर गुस्सा है। हाईवे जाम करने के बाद लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, ताजा स्थिति क्या है? अब भी जाम लगा हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए लोगों में गुस्सा काफी ज्यादा है। तस्वीरें हमने भेजी है कि किस तरीके से जो मेरठ जो रोड है उसको जाम कर दिया गया। एक तरफ की जो सड़क है वो पीड़ित परिवारों ने जाम कर दी है। जो तमाम महिलाएं हैं वो सड़कों पर आ गई हैं। चूंकि कल मोदी नगर में पोस्टमार्टम होना था, जो 25 लोगों का, पोस्टमार्टम के बाद जब डेड बॉडी को घर वालों के सुपुर्द किया गया तो डेड बॉडी को सड़क पर रख दिया गया है और जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, नारेबाजी हो रही है। जिस तरीके से लापरवाही नगर पालिका की सामने आई है, सामने आया है घोटाला, उस घोटाले की वजह से 25 लोगों की जान चली गई है। उसके बाद लोगों का गुस्सा फूटा है। हालांकि कल योगी सरकार ने 2 लाख का मुआवजा दे दिया था, लेकिन ये मुआवजा काफी कम लग रहा है। और साथ ही साथ जिस तरीके से शमशान घाट में जो शेड बनाई गई थी उसमें कच्चे रेत का इस्तेमाल किया गया, घोटाले की बात सामने आई है। हालांकि 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें नगर पालिका की ईओ निहारिका सिंह है, जूनियर इंजीनियर है, सुपरवाइजर है, ठेकेदार अब भी फरार है। लेकिन लोगों में शासन प्रशासन को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा है, इसलिए जो मोदी नगर की सड़क है, मेरठ की सड़क है, उसको जाम कर दिया गया है। मेरठ गाजियाबाद की जो रोड है, एक तरफ की जो रोड है उसको जाम कर दिया गया है। पीड़ित परिवार डेड बॉडी के साथ सड़क पर आ गए हैं, महिलाएं सड़क पर आ गई है और जमकर शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। 3 तस्वीरें आपके सामने है। मेरठ जाने वाली सड़क को जाम कर दिया गया है। 25 लोगों की इस हादसे में जान गई थी। ठेकेदार की तलाश में अभी पुलिस है। हालांकि 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन पूरे मामले में तफ्तीश अब भी जारी है। कच्ची रेत का इस्तेमाल लेंटर डालने में किया गया और यही लापरवाही वजह बनी 25 लोगों की जान जाने की। अब परिजनों में इस बात को लेकर गुस्सा है। पूरे हाईवे को इस वक्त जाम कर दिया गया है। हालांकि वहां पर पुलिस बल भी बड़ी संख्या में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद परिजनों की मांग है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जो आरोपी हैं उनकी, और साथ ही मुआवजे की रकम को बढ़ाया जाए। मुख्य आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी अब भी फरार बताया जा रहा है और यही वजह है कि अब भी जो परिजन है वो न्याय की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। हालांकि इस शमशान घाट हादसे में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। 25 लोगों की जान गई है और तमाम लोगों के परिजन इस वक्त सड़क पर मौजूद हैं। जबरदस्त गुस्सा और रोष इन परिजनों में इस पूरे हादसे को लेकर। लापरवाही एक बड़ी वजह इस हादसे की और अब दिल्ली मेरठ हाईवे को जाम कर दिया गया है। कई घंटे हो गए हैं जाम को लगे हुए। एक तरफ का ट्रैफिक पूरी तरीके से रुका हुआ है। मुख्य आरोपी अब भी फरार है और 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है।